नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक हम लोग का है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के बारे में हमको जानना है। इसके पहले चूंकि हम आपको बताए थे कि हम लोग ओवरी के बारे में पढ़े थे, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर स्थित होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल। डिस्कस करेंगे हम आज डिटेल अबाउट टू ओव्यूल। देखिए, ओव्यूल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बीजांड। बीजांड की जो संरचना है हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक्चुअल होता क्या है, जो ओवरी मींस ये वाला ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा, यह मुख्य रूप से तीनों भाग होता है, यह एक पिस्टिल का भाग होता है। पिस्टिल इसमें देखा जाए कि ओव्यूल जो होता है इस ओवरी के अंदर होता है और हमको इस ओव्यूल का ही डिटेल स्टडी करना है। डिस्कस करेंगे ओव्यूल को, हम लोग हिंदी बोलते हैं बीजांड। ये देखिए, इसको तो हम लोग बीजांड, और बीजांड को हम लोग मेगास्पोरो एंजियम, मतलब मेगास्पोरो एंजियम के नाम से भी जानेंगे। तो आपको जानना है कि बीजांड से ही सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम लोग ये ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरियम, याद रहे ओव्यूल ओवरी के अंदर लोकेट होता है। ओवरी के मुख्य भाग, जैसे इनके मुख्य भाग ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है चला जा ओवरी का, सॉरी ओव्यूल का वह भाग है जो सबसे ऊपर की तरफ होता है, जहां से ये इंटेगुमेंट निकलता है। इंटेगुमेंट एक आउटर होता है और एक इनर इंटेगुमेंट होता है। तो याद रखिएगा चला जा कि ठीक नीचे माइक्रोपाइल होता है, बीजांड द्वार। चला जा कि ठीक नीचे न्यूसेलस, यह न्यूसेलस यह पैरेन्काइमेटस होता है। पैरेन्काइमेटस पैरेन्काइमा से मिलकर बना होता न्यूसेलस, और न्यूसेलस के ठीक ऊपर भाग क्या होगा, चला जाए, जिसको बोलते हैं निभाग। ये देखिए क्या है, ये निभाग है, ठीक निभाग के नीचे न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के ठीक साइड में अगर देखा जाए इंटेगुमेंट, जिसको हिंदी बोलेंगे अध्यावरण। यह देखिए अध्यावरण क्या होता है, दो होता है, एक आउटर मतलब बाहर की तरफ और एक इनर मींस अंदर की तरफ। हर एक फैमिली, हर एक प्लांट में, यह किसी किसी प्लांट में आउटर इंटेगुमेंट की ओर अकेला या इनर इंटेगुमेंट अकेला। तो अगर याद रखिएगा इंटेगुमेंट की संख्या अगर एक होगा, अगर इसकी संख्या केवल एक होगा, इसको हम यूनिटेगमिक बोल देंगे, हम यूनिटेगमिक ये बोल देंगे। लेकिन अगर इनकी संख्या दो हो जाएगी, अगर इनकी संख्या दो है तो उसको बाइटेगमिक बोल देंगे हम, बाइटेगमिक, ये बात करते हैं। उसके बाद किसी किसी में क्या होता है कि ये होता ही नहीं है, इंटेगमेंट होता ही नहीं है, तो जिसमें नहीं होगा इंटेगमेंट इसको हम लोग बोल देंगे ए टेक्निक। मींस जिसमें एंटेगमेंट नहीं होता है ए टेक्निक, जिसमें एक अध्यावरण होता है यूनिटेक्निक, जिसमें दो अध्यावरण होता है इसमें बाई टेक्निक। अब देखा जाए इन इंटेगमेंट, दोनों आउटर एंड इनर इंटेगमेंट को मिलाकर बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण के नाम से हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जहां पर आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट जहां पर जाकर मिलेगा, यहां पर एक गैप, गैप का फॉर्मेशन करती है, याद रखिएगा। यही गैप क्या होता है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कराता है। इस माइक्रोपाइल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोग बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, ठीक। अब बीजांड द्वार के ठीक ऊपर चलाजा होता है, इसलिए ओव्यूल का जो ऊपर वाला भाग चलाजल एंड कहलाता है
और नीचे वाला भाग माइक्रोपाइलर इंड कहलाता है। अब हमको देखना है आप ये है कि माइक्रोपाइल के ठीक साइड में नाव प्लाई की स्ट्रक्चर घुंडी नुमा संरचना निकला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं फ्यूनिकल बीजांड ब्रिंथ। क्या बोलेंगे हिंदी में? बीजांड ब्रिंथ। और बीजांड ब्रिंथ के ठीक साइड में जहां पे आपको एक गैप दिखाया गया है यहां पर ये इसको बोलते लोग हाइलम। हाइलम किसी भी सीड के ठीक ऊपर का भाग होता है जहां से अटैच होता ये है, यह अटैच याद रखिएगा प्लेसेंटा से होता ये है, प्लेसेंटा से अटैच होता है। अब बात करते हैं लोग यह है जी इनके अंदर एक राउंड टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ओवल शेप में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यह ओवल शेप में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहां से ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो भाग चलाजा की तरफ होता है इसको बोलते चलाजल एंड। तो इसमें तीन सेल्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3। इन तीनों सेल्स को ध्यान रखिएगा 3 एंटीपोडल सेल्स हम लोग कहेंगे। इसमें याद रखने की बात है कि टोटल जैसे आप 3 एंटीपोडल सेल्स होता है तो 3 एंटीपोडल सेल्स का मतलब यहां पे 3n होगा। ये क्या होगा यहां पर 3n। जबकि ठीक नीचे जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको बीच में सबसे बड़ा भाग दिखाई दे रहा है जिसको 1x सेल एक अंड कोशिका पाई जाती है और इस अंड कोशिका के दोनों तरफ साइड में यह वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है 1 एंड दिस इज 1। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं ये दोनों भाग अगर मिलेगा यहां पर ध्यान रखिए तो यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है 2 सिनर्जिक सेल्स जिसको हिंदी बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। यह सहायक कोशिका इस केंद्रक के मतलब एक सेल के दोनों तरफ यहां पर दिखाई देता है। यह फर्टिलाइजेशन के समय जब पोरोगैमी होता है तो फर्टिलाइजेशन समय दोनों क्या होते हैं इन्वेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलाजल इंड और माइक्रोपाइलर इंड के बीचों बीच में 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, यह 2n होता है। ये क्या होता है 2n। इधर 3n हो गया, ये स्नेट सेल्स और एक 1x सेल्स इन दोनों को मिला के 3n। ये देखिए ये 3 to 8 मतलब 3 हो गए, ये 3 8 2 5 और 3 8 मतलब टोटल ये 8n होते हैं। इन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं इंब्रियो सैक। इंब्रियो सैक को देखिए हम बोलते हैं भ्रूण कोष। भ्रूण कोष याद रखिएगा यह भ्रूण कोष होता है और यही फीमेल गैमेटोफाइट भी कहे जाते हैं। जैसे मेगा स्पोरेंजियम हम लोग यहां देख रहे हैं इसी तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम होता है तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रेन होता है। तो यहां पर क्या मेन जो इम्ब्रियो सैक होता है यहां पर इसी इम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से हम लोग जानेंगे और यही बात जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी करेगा। अब इनमें एंट्री पालन ट्यूब की एंट्री जिसमें 3 तरीके से होता है, एक कोर की तरफ से मतलब माइक्रोपाइल की तरफ से होता है, एक इंटेगुमेंट की तरफ से होता है और एक चलाजा की तरफ से होता है। ये टॉपिक हम लोग देखें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये स्पेशली अगर आप बात किया जाए यह टॉपिक क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर में एक टॉपिक आपका क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजियम। फिर उसके बाद लोग माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। इसके बाद अगले टॉपिक जो है ये विशेष रूप से क्लास 12 के लिए बीएससी एंड अदर क्लासेस के लिए। धन्यवाद।